इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पंजाब से शुरू होकर दिल्ली में पहुंचे किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है। दावा किया कि किसान आंदोलन की आड़ में सीएए, एनआरसी और दंगा भड़काने वाली ताकतें सक्रिय है। गृह मंत्री सिंगरौली जाते समय जबलपुर के डुमना विमानतल पर आधे घंटे के अल्प समय के लिए रुके थे। कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का प्रयास कर रही है, इसका हल किसानों से बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है, लेकिन उकसाने वाले असामाजिक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये वही ताकतें हैं जो सीएए के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोबेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते, पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा पूरी तरह से आसान। प्रदेश में सभी प्राध्यापकों को सातवां वेतनमान मिल गया है, लेकिन अभी भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक इससे वंचित हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री, वित्त मंत्री समेत सभी आला अधिकारियों से मुलाकात कर सातवां वेतनमान देने की मांग की गई, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई। जबलपुर आए कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री कमल पटेल के आश्वासन के बाद कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में उम्मीद की किरण जागी है, जिसके बाद सातवां वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर कृषि प्राध्यापकों ने अपनी मांग को उठाया है। इस मांग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक आज सुबह भोपाल रवाना हुए। केंद्रीय प्राध्यापक वैज्ञानिक परिषद के महासचिव डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने नेतृत्व में अध्यापक की टीम भोपाल गई थी। यदि आप लैया चिक्की खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल कर खाएं, क्योंकि चंद मुनाफे के लिए मिलावटखोर इसमें ऐसे घातक रंग और खाद्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू हुई मुहिम के तहत मंगलवार को खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा प्रभारी अधिकारी और एसडीएम आशीष पांडे के नेतृत्व में बिलहरी स्थित संजय इंडस्ट्रीज में दबिश दी। लैया चिक्की और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वाली इस फैक्ट्री में गंदगी और मिलावटी सामग्री देख अधिकारी भी दंग हो गए। यहाँ लैया चिक्की, चने और खाद्य पदार्थों में घातक केमिकल युक्त रंगों की मिलावट की जा रही थी। जांच टीम ने यहाँ से 7 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और फैक्ट्री सील कर दी, जबकि फैक्ट्री संचालक के खिलाफ थाने में एफआईआर करा दी गई है। हनुमान ताल में जुआफड़ संचालित करने वाले कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर के लिए देसी कार्बाइन बनाने वाला फरार इनामी आरोपित और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर, उसका बेटा गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर और सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर के जुआफड़ संचालित करने की सूचना 7 नवंबर को मिली थी। सूचना पर घेराबंदी करते हुए 41 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 7,40,000 रुपये नकद, 42 मोबाइल जब्त किए गए थे। ग्राम झिलमिला में लकड़ी लेकर आ रहे वृद्ध को 407 वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में वृद्ध के शरीर पर गंभीर चोटें आने से ग्रामीणों ने शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वृद्ध को जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में वक्त उचरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रेगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लाडगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को रास्ते में रोककर 5 से अधिक युवकों ने बेरहमी से मारपीट कर 5,000 रुपए लूट लिए। युवक ने किसी तरह से भागते अपनी जान बचाई और अपने साथियों को सूचना दी। युवक के साथी मौके पर पहुंचे और उसे थाना ले गए, जहां से उसे मुलायजे के लिए भिजवाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ठंड इस बार सितम ढाएगी, पारा अभी से लुढ़कने लगा है। मंगलवार की रात न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अगले 10 दिसंबर तक पारा 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। जिले में जोरदार ठंड की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी, जो 21 जनवरी के तक अपना असर दिखाएगी। उत्तरी हवाएं लगातार ठंड बढ़ा रही हैं। आज भी 3 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तरी हवाएं चलती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व वर्ष की तुलना में इस बार दिसंबर में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। फरवरी तक का मौसम कठिन दौर वाला रह सकता है। सैन्य क्षेत्र रिज बाजार बस्ती की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मार्ग से जोड़ने वाली सड़क सैन्य प्रशासन ही बनाएगा। कैंट बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की रुचि के कारण स्वीकृत हुआ।
इसके बाद सैन्य प्रशासन की टीम रिज बाजार विश्वविद्यालय सड़क का सर्वे करने गई, लेकिन इसे बनाया नहीं गया। नतीजा, रिज बाजार बस्ती के परिवार आज भी नई सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते जून माह में कैंट सीओ सुब्रत पाल को ज्ञापन देकर कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे चिंटू, पार्षद राजित यादव ने रिज बाजार को विश्वविद्यालय मार्ग से जोड़ने नई सड़क बनाने की मांग रखी थी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला सबसे छोटे रेल मार्ग पर 25 दिसंबर से यात्री ट्रेनें शुरू करने की तैयारी चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ब्रॉडगेज पर सबसे पहले मेमू ट्रेन पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री ने ही ब्रॉडगेज के सपने को आकार दिया था, अब उनके जन्मदिन पर इस ट्रैक का लोकार्पण होगा। इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन शुरू होते ही रायपुर, दुर्ग, नागपुर पहुंचना आसान हो जाएगा। रेल सेफ्टी कमिश्नर ए के रॉय ने इस ट्रैक पर ट्रेन संचालन की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। जबलपुर में राहत भरी खबर है कि कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। आज भी जबलपुर में स्वस्थ होने पर 82 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। नए मरीज 32 आए हैं। इस तरह से जबलपुर में अब तक 13,504 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि जबलपुर में 1726 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें कोरोना के 32 मरीज सामने आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।